स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब। होप आप सब ठीक होंगे और घर पे होंगे। मेरा नाम है विकास शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है ये क्या चीज होती है। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर मतलब किस चीज का डायग्राम। यहाँ पे डायग्राम लिखा है तो ये किस चीज का डायग्राम है, किसकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। ठीक है, सिंपल डायग्राम तो आपको पता है, बट यहाँ पे ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर माने क्या। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपको पूछा जाएगा कि डायग्राम ऑफ कंप्यूटर बनाओ, फिर आप क्या बनाएंगे। फिर आप ये ऐसा, ये सिस्टम ऐसा, ये देखिए ये मैंने मॉनिटर बना दिया, ये हमने कीबोर्ड बना दिया सपोज कीजिए, ये हमने माउस बना दिया, ठीक है, ये हमने सीपीयू बना दिया। ठीक है, इस तरीके से अगर डायग्राम ऑफ कंप्यूटर पूछा जाए तो ये बनता है। बट अगर ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर अगर ये एग्जाम में आ गया, ठीक है, या ऐसा आपसे पूछा गया कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, तो आप ये नहीं बनाएंगे, ये जस्ट डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखिए ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर की एक छोटी सी डेफिनेशन है जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर गिव्स यू द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंप्यूटर दैट हाउ इट वर्क्स इनसाइड। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, जो कि हमको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देता है किसकी, कंप्यूटर की। पिक्टोरियल मतलब पिक्चर के रूप में, पिक्चर के रूप में आपको एक प्रेजेंटेशन देता है कि ये कंप्यूटर कैसा होता है और ये किस तरह से अंदर काम करता है। ठीक है, क्योंकि हमने तो बाहर का ही देखा है डायग्राम, अब अंदर का जो डायग्राम है उसको एक्चुअली में ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं। जो बाहर का डायग्राम है वो डायग्राम ऑफ कंप्यूटर ये होता है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर माने माने अंदर का डायग्राम कि किस तरीके से कंप्यूटर अंदर काम करता है। ठीक है, उसका एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है, तो देखते हैं कैसा होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए मैंने पिक्चर रिप्रेजेंटेशन लिखा है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ अगर आपसे कंप्यूटर का डायग्राम पूछा जाए तो आप ये लिखेंगे, ये बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये स्क्रीन है और ये देखिए हमारा कीबोर्ड है, ये हमारा सीपीयू है, ये हमारा माउस है। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा डायग्राम ऑफ कंप्यूटर बन गया। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाएगा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, तो हमको पता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, अंदर का डायग्राम कि कंप्यूटर अंदर कैसा दिखता है और क्या क्या काम करता है, क्या क्या पार्ट्स कंप्यूटर में होते हैं, तभी इसको पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए ये देखिए यहाँ पे, ठीक है ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास दो डायग्राम है, ये फर्स्ट है, यहाँ पे ये सेकेंड है। अब ये क्या है, डायग्राम ऑफ कंप्यूटर जैसा कि आपने देखा, और ये क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं, अब जो इनपुट यूनिट यहाँ पे लिखा है ये कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर ऐसा होता है जिसमें ये इनपुट यूनिट होता है फर्स्ट, सेकंड क्या होता है हमारा सीपीयू, ये वाला, ये देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और तीसरा हमारे पास यहाँ पे आ गया ये आउटपुट यूनिट। ठीक है, तीन इसमें यहाँ पे मेन पार्ट आ गया ब्लॉक डायग्राम में। अब देखिए इनपुट यूनिट कौन कौन से होते हैं, ये वाले देखो, ये जो माउस है ये हमारा इनपुट यूनिट है, जो हमारा कीबोर्ड है ये हमारा क्या है, इनपुट यूनिट है, और जो सीपीयू लिखा है यहाँ पे ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या होता है, ये होता है, ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये होता है सीपीयू जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और जो आउटपुट यूनिट है ये कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये कौन सा है, ये है आउटपुट यूनिट, ये वाला देखिए। ठीक है, पता चल गया। अब देखिए अब यहां से कंफर्म हो गया, ये देखिए इनपुट यूनिट कौन से आया, ये वाला इनपुट यूनिट आया, ये वाला इनपुट यूनिट आया, और जो आउटपुट यूनिट कौन सा है वो ये वाला आ गया। ठीक है, और जो सीपीयू है वो ये वाला आ गया। ठीक है, अब देखिए इनपुट यूनिट नाम से पता चल रहा है जो कि अंदर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो कि अंदर सीपीयू को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सीपीयू में वो क्या हुआ इनपुट यूनिट। जैसे कि हम यहाँ पे बटन दबाते हैं तो कुछ अंदर को प्रोसेसिंग जा रही है, यहाँ से हम कोई बटन दबाते हैं कीबोर्ड से तो भी अंदर को जा रही है कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आउटपुट यूनिट मैंने कौन सा लिखा है, ये देखिए ये वाला दर्शाया है, तो इसमें क्या हो रहा है, हमको बाहर को कुछ दिख रहा है। ठीक है, पिक्चर आपको बाहर को दिखती है ना, तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक आउटपुट यूनिट हुआ। ठीक है, अब सीपीयू की बात करते हैं तो सीपीयू ये देखिए ये होता है हमारा सीपीयू जैसा कि आप सभी को पता है। ठीक है, अब इस सीपीयू जो है इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, इसके अंदर होती है हमारे पास मेन जो चीजें होती है वो होती है तीन, एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू और एक होता है मेमोरी। ठीक है, एएलयू क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, और कंट्रोल यूनिट
क्या होता है जो कि सारी चीजों को कंट्रोल करता है। मेमोरी यूनिट कौन सा हुआ? मेमोरी यूनिट वो चीज होती है जिसमें सारा जो डेटा है वो स्टोर होता है। इन सभी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग से डिस्क्राइब करेंगे। एक वीडियो इनपुट यूनिट के ऊपर आएगा, एक आउटपुट के ऊपर, एक ALU के ऊपर, एक CU के ऊपर और एक मेमोरी के ऊपर। ठीक है, इनको हम अलग अलग तरीके से सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए यही जान लो कि ये क्या क्या चीज होती है। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा डायग्राम ऑफ कंप्यूटर और ये हो गया हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब कौन कौन सी क्या क्या चीज है यहाँ पे देख लीजिए। फिर से जो इनपुट यूनिट है वो कौन से हो गए? ये वाले, ठीक है, और ये वाले। आउटपुट कौन सा हुआ? ये वाला, बाहर से चलते हैं, ये देखिए ये कौन सा हुआ? ये हुआ आउटपुट यूनिट। और जो सीपीयू है वो कौन सा हुआ? ये वाला, ये देखिए ये हुआ हमारा सीपीयू। और जो ये इसके अंदर तीन पार्ट होते हैं हमारे, याद रखिएगा, ALU, CU एंड MU, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। ठीक है, कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, ठीक है, मैन ब्लॉक डायग्राम है जो कि मैंने यहाँ पे अलग से दिखाया हुआ ताकि अच्छे से नजर आए। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट से क्या जा रहा है? सारा मटेरियल अंदर को जा रहा है। ठीक है, जो भी हम लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, वो डाटा कहाँ को जा रहा है? देखिए अंदर को जा रहा है, जा रहा है ना अंदर को, मतलब कि सीपीयू की तरफ को जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनपुट यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सीपीयू है। अब सीपीयू में हमारा जितना भी डाटा था वो यहाँ पे प्रोसेस होता है। ठीक है, अब यहां से देखिए सीपीयू से बाहर को जा रहा है डाटा, बाहर को जा रहा है डाटा, तो ये क्या हुआ? आउटपुट यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर को बनाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए थोड़ा डिटेल में। अब देखिए सेम टू सेम यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? ये इनपुट यूनिट है और ये क्या हमारे पास? आउटपुट यूनिट है। ठीक है, और ये हमारा हो गया सीपीयू, ये देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनपुट यूनिट कौन कौन से होते हैं, वही देखिए कीबोर्ड, इससे भी अंदर को हम टाइप करते हैं, माउस, इससे भी हम अंदर को टाइप करते हैं, कैमरा, ठीक है, जिससे भी अंदर को जाता है इंफॉर्मेशन, माइक, माइक से भी अंदर को जाती है इंफॉर्मेशन। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन जहां से अंदर को जा रही है वो क्या हुआ? इनपुट यूनिट। ठीक है, और सीपीयू क्या हुआ? जिसमें अंदर प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, जिसकी ALU क्या हुआ? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, कुछ रजिस्टर होते हैं। ठीक है, और मेमोरी होता है, मेमोरी कौन कौन सी होती है? जिसकी रैम रोम वगैरह, ठीक है, हार्ड डिस्क वगैरह, ये सारी मेमोरीज होती है। और जो भी प्रोसेसिंग करके बाहर को इन्फॉर्मेशन आती है वो क्या होती है? आउटपुट यूनिट में शो होती है, जैसे कि मॉनिटर में शो होती है, गाना प्रिंटर गाना अपने स्पीकर में बजता है, ये स्पीकर है। ठीक है, और ये क्या है? प्रिंटर है, जिससे बाहर को हमारा प्रिंट होके चीजें निकलती है। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और ये हमारा CU। ठीक है, तो ये क्या है? ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी अगर आपको डाउट है इस टॉपिक के ऊपर तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।